गुड मॉर्निंग बच्चों, विजय सर क्लासेस में खुशबू मैम के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, किंगडम प्रोटिस्टा हमने पढ़ लिया है, आज हमको पढ़ना है किंगडम फंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो किंगडम फंगी के मेंबर्स हैं वो किस प्रकार से हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखना है बेटा जी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। किंगडम फंगी के कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसे हैं, कुछ इन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। किंगडम फंगी सेप्रोफाइटिक हैं, आप सभी अच्छे से जानते हैं। इनका जो न्यूट्रिशन का मेथड है सेप्रोफाइटिक मेथड है, मतलब ये डेड डिकेइंग मैटर से, सड़े गले चीज़ों से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। ओके बच्चों, किंगडम फंगी जो है ये पूरे के पूरे किंगडम फंगी में मोस्टली किनको रखा गया है, फंगस को रखा गया है, जिसको आप कवक कहते हो। ओके, चल किंगडम ऑफ हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से ऑब्टेन नहीं कर सकते, अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म्स पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म्स पे डिपेंड रह रहे हैं बेटा, डिपेंडेड है अपने फूड के लिए, तो कौन से मेथड्स के थ्रू ले रहे हैं, सेप्रोफाइटिक मेथड के थ्रू ले रहे हैं ना, दूसरों से फूड लेना है, लेकिन जो सड़ गया है, गल गया है, डेड है, डिके है, उस मैटर से, उस सब्सटेंस से अपना फूड ऑब्टेन करने की जो क्वालिटी है वो किसके अंदर होती है, आपके फंगी के अंदर होती है। ठीक है, Which spots seen on mustard leaves are due to a parasitic fungus? ठीक है, क्या कह रहा है ये? White, just a minute, बहुत ध्यान से देखेंगे। White spots seen on mustard leaf are due to a parasitic fungus. ठीक है, white spot होता है mustard की leaf पे, ध्यान देंगे। ये ना सरसों का जो पेड़ होता है, पौधा होता है ना बच्चों, सरसों का जो पौधा होता है उसकी जो लीव्स होती हैं, समझ रहे हैं ना आप, ऐसे गोल 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 लीव्स होती हैं, इसमें वाइट 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 स्पॉट बना होता है, खूब सारा स्पॉट बना होता है। तो ये जो स्पॉट बना होता है, मैं ब्लू से बना रही हूँ, वाइट बनाऊंगी तो दिखेगा नहीं ना बेटा वाइट बोर्ड पे, तो मैं ब्लू से बना रही हूँ, ऐसे खूब सारे स्पॉट्स आ जाते हैं वाइट 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 वाइट। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये स्पॉट्स एक्चुअल में क्या है? वाइट स्पॉट मस्टर्ड पे किसके कारण होता है? पैरासिटिक फंगस के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है बच्चों? पैरासिटिक फंगस के कारण होता है, ध्यान देंगे। अब आपको क्या देखना है आगे, यूनिसेल्युलर फंगी एग्जाम्पल ईस्ट आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर, समझ में आ रहा है बच्चों? एक यूनिसेल्युलर फंगस है जिसका नाम है ईस्ट। ओके, ये जो ईस्ट होता है ये ब्रेड और बियर बनाने में काम आता है, ब्रेड और बियर को बनाते समय इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है बेटा जी, ध्यान देंगे। सम फंगी कॉजेस डिसीज इन प्लांट, कुछ ऐसे फंगी होते हैं जो प्लांट में डिसीज कॉज करते हैं, समझ में आ रहा है? प्लांट में डिसीज कॉज करते हैं मतलब पौधों में बीमारियां फैलाते हैं। एंड एनिमल्स, सम फंगी कॉजेस डिसीज इन प्लांट एंड एनिमल्स, मतलब प्लांट्स में तो डिसीज फैला रहा है, साथ ही साथ वो किस में डिसीज फैला रहा है बच्चों? साथ ही साथ वो एनिमल्स में भी डिसीज फैला रहा है। एक एग्जांपल ले लो, वीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया, गेहूं के पौधे में रस्ट लगता है, फंगस लगता है, जिसको फैलाने वाला एक फंगस है जिसका नाम है पक्सीनिया। ओके बच्चों, सम आर दी सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, कुछ ऐसे क्या होते हैं, फंगस होते हैं जिनसे हम एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन करते हैं। एग्जाम्पल पेनिसिलिन देख लीजिए, समझ में आया? एंटीबायोटिक क्या है बेटा? दूसरे ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक देता है, दूसरे बैक्टीरियाज की ग्रोथ को रोक देता है, इसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं। आप जानते हैं ना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, उन्होंने ही
एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी। आगे बढ़ेंगे, थोड़ी सर्दी है बच्चों। देखिए, अकर्स इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। अगर इसका हैबिटेट हम जानना चाहते हैं, इसका अकरेंस हम जानना चाहते हैं, इसका वास स्थान या इसकी उपस्थिति जानना है, तो ये देखना पड़ेगा कि इसके स्पोर्स एयर में हैं, ये वाटर में है, सॉइल में है, एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडी के ऊपर में एज अ पैरासाइट फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। प्रिफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, जहाँ पे गर्माहट है और ह्यूमिडिटी है, ऐसी एरिया में फंगस जल्दी ग्रो करते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको आपके किचन से देती हूँ। जब मम्मा को इडली, डोसा, ढोकला, उत्तपम बनाना है, तो मम्मा क्या करती है, चावल और दाल को रात को भिगा देती है, फिर सुबह उसको अच्छे से पीसते हैं, सुबह से लेकर रात तक उसको अच्छे से खमीर आने के लिए, ईस्ट आने के लिए छोड़ देते हैं। ईस्ट इज़ अ टाइप ऑफ फंगस। तो ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ थोड़ा ह्यूमिड भी हो और थोड़ा वार्मर एरिया भी हो, ताकि जल्दी उसमें क्या आ जाए, ईस्ट आ जाए। तो क्योंकि ईस्ट ऐसे प्लेस में आएगा जहाँ ह्यूमिड और वार्म प्लेस है, तो आप समझ सकते हैं कि जो आपके फंगस हैं वो ऐसे जगह पे ग्रोथ करेंगे बेटा जी, जहाँ पे एरिया जो है वो कैसा हो, ह्यूमिड हो और टेम्परेचर वार्मर हो। ओके बच्चों, ध्यान रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आप देख चुके, प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस विथ एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट। ईस्ट एक एक्सेप्शन है, क्योंकि ईस्ट ही एक यूनिसेलुलर फेमस फंगी है। और फिलामेंटस, ये फिलामेंटस होता है, देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इसका जो बॉडी है लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड के समान, धागे के समान स्ट्रक्चर को बियर करके रखता है, जिसे हाइफी कहते हैं। आप लोग कभी देखना बच्चों, ये आप लोग देखते हो ना, फंगस में इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये ऐसा फिलामेंटस वाला, ये हाइफी है, समझ में आ रहा है, ये हाइफी है। ऐसा नॉर्मल ऐसा फंगस का स्ट्रक्चर, ऐसा आप लोग हमेशा याद रखते हो। तो इसको अभी हटा दो, अभी फ्रूटनिंग बॉडी को हटा दो, अभी सिर्फ ये स्ट्रक्चर नीचे वाला देखो, तो ये क्या होता है, हाइफी होता है। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। जब हाइफी का खूब सारा नेटवर्क हो, तब हम उसे क्या कहते हैं, माइसीलियम। ये क्वेश्चन नीट में 2019 में पूछा गया था कि बहुत ज़्यादा नेटवर्क है अगर हाइफी का, तो वो क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है बच्चों, माइसीलियम कहलाता है। सब हाइफी आर कंटिन्यूस ट्यूब फील्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। कुछ हाइफी में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, साइटोप्लाज्म फील होता है। दीज आर कॉल्ड कोइनोसाइटिक हाइफी। इस प्रकार के हाइफी को जिसमें ज़्यादा न्यूक्लियस की मात्रा है और साइटोप्लाज्म भी भरा हुआ है, उसे क्या कहते हैं, कोइनोसाइटिक हाइफी। आपकी एनसीईआरटी बुक का एक एक लाइन बता रही हूँ बेटा मैं आपको यहाँ पे। अदर हैव सेप्टेट और क्रॉस वॉल इन देयर हाइफी। जो अदर होते हैं, सेप्टेट होते हैं या क्रॉस वॉल होते हैं। सेप्टेट अगर ये हाइफी है, ठीक है, नॉर्मल हाइफी है, अगर ये हाइफी है और इसमें बीच में ब्रांचिंग है, तो दिस इज अ सेप्टेट हाइफी। समझ में आया, नोट डाउन कर लीजिए। यस बच्चों, अब हमको देखना है किंगडम फंगी का कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंने स्टार मार्किंग कर दिए, देखो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में स्टार बना दिए बेटा, ठीक है। सेल वॉल ऑफ फंगी आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। फंगस का जो सेल वॉल है, काइटिन और पॉलीसेकेराइड से मिलकर बना है। ये क्वेश्चन नीट 2016 में पूछा गया था, ठीक है। मोस्टली एब्जॉर्ब ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट्स एंड हेंस आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स।
डेड डिकेइंग सबस्ट्रेट से मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करता है, इसीलिए हम इसको सेप्रोफाइट्स के नाम से जानते हैं. सम दैट डिपेंड्स ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट्स. कुछ ऐसे फंगस होते हैं बेटा जो एनिमल्स की बॉडी पे, प्लांट्स की बॉडी पे एज अ पैरासाइट रहते हैं. जैसे जो आप जानते हैं बेटा, आपकी जो स्कैल्प है, आपका सिर जो है, सिर ये जो जहाँ पे बाल उगे हुए हैं, आप ऐसे मांग निकालते हैं, ये वाइट वाला जो पोर्शन आपको दिखता है ना बच्चों, यहाँ पे कभी कभी डैंड्रफ हो जाता है. डैंड्रफ इज ऑल्सो टाइप ऑफ फंगस, एक पैरासाइट है वो. समझ में आ रहा है? कभी कभी हमारे ऐसे हाथ के बीच में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है. दाद रिंग वर्म होता है, वो भी फंगस इन्फेक्शन के कारण ही होता है, पता है ना आपको. प्लांट्स में जैसे पक्सीनिया है, क्या करता है? पैरासिटिक इफेक्ट शो करता है. समझ में आ रहा है? तो ये पैरासाइट के रूप में भी मिलते हैं. फिर हम बात करेंगे कि ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी बनाते हैं. जो फंगस होते हैं उनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है. अगर फंगस क्या करे, फंगस किसके साथ शो करे रिलेशन? एल्गी के साथ. ठीक है, तो क्या बनाएगा? लाइकेन्स. लाइकेन्स आपने ना बेटा कभी अगर बिरयानी वगैरह बनाते हुए किसी को देखा होगा तो उसमें एक ब्लैक कलर का जाला जाला मसाला होता है, जिसे कहते हैं छबीला मसाला. ठीक है, इन जनरल उसका जो हिंदी नेम है छबीला मसाला, उसको कह के पुकारा जाता है. दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ लाइकेन. लाइकेन को स्पाइसेस के फॉर्म में भी यूज किया जाता है. उसमें एक अल्गी और एक फंगी का एसोसिएशन होता है. फंगस क्या करता है? शेल्टर देता है. ठीक है, एल्गी क्या करता है? फूड देता है, फोटोसिंथेसिस करता है, फूड प्रिपेयर करता है. ठीक है, फूड प्रिपेयर करता है, फूड का प्रोडक्शन करता है, लिखिए तो ज्यादा अच्छा है बच्चों. ठीक है, फूड प्रोडक्शन करता है और ये शेल्टर देता है. मतलब इसके घर में ये रह रहा है तो किराए के रूप में इसको खाना बना के दे रहा है. और दोनों को एक साथ मिला के अगर कुछ कहना होगा तो क्या कहेंगे बच्चों? लाइकेन्स. ठीक है, ये समझ में आया? अब देखो बेटा, प्लांट जो बड़े बड़े पौधे हैं ना, उनके रूट्स जो हैं, जो फंगस है ये फंगस है. ठीक है, और ये प्लांट है, और ये क्या है? रूट है. ठीक, बड़े लार्ज हायर प्लांट्स के जो रूट हैं उनका एसोसिएशन फंगस के साथ होता है. फंगस वहां पे रहता है और उनसे अपना फूड लेगा और बदले में सॉइल से क्या करेगा? ऑब्टेन कर करके फॉस्फोरस प्रोवाइड करेगा इस प्लांट के लिए. जब कोई प्लांट बॉडी, प्लांट के रूट, हायर प्लांट के जो रूट हैं विथ रूट ऑफ हायर प्लांट्स एज माइकोराइजा, जब कोई फंगस किसी प्लांट के रूट से, हायर प्लांट के रूट से एसोसिएशन करता, हाथ मिला रहा है ना, दिख रहा है, ये हाथ मिला रहा है, इसके रूट से हाथ मिला रहा है, तो एसोसिएशन करता हो, तब ये क्या कहलाता है बेटा जी? माइकोराइजा. समझ में आया? माइकोराइजा 2019 के नीट के पेपर में पूछा गया है, नोट डाउन कर लेंगे. यस बच्चों, अब हमको क्या देखना है? अभी तक हम फंगस का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख चुके हैं, अब हमको देखना है रिप्रोडक्शन इन फंगी. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन. फंगी जो होते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी करते हैं, एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं और सेक्चुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, आपको पता है बच्चों. अब देखिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में किसको, किसके थ्रू करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेंगे फ्रेगमेंटेशन के थ्रू. एक फंगस का एक छोटा सा टुकड़ा अगर टूट गया, ठीक है, और टूटने के बाद अगर वो सॉइल के कांटेक्ट में आया तो वो फिर से नया फंगल बॉडी बनाना चालू कर देगा. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन. ठीक है, दूसरा होता है फीजन. बाइनरी फीजन, दो बराबर भागों में बांट सकता है अपनी बॉडी को. ठीक है, उसके बाद होता है बर्डिंग.
ठीक है, क्या होता है बच्चों? बर्डिंग होता है। बर्डिंग जो है, बर्डिंग देखिए, ये ईस्ट का एग्जाम्पल दे रही हूं मैं आपको, यहां पे ईस्ट का एग्जाम्पल दे रही हूं। ये ईस्ट की बॉडी है, ईस्ट की बॉडी पे एक छोटा सा आउटग्रोथ दिख रहा है आपको, ठीक है बच्चों? ये आउटग्रोथ जो आपको दिख रहा है एक बर्ड के फॉर्म में यहाँ पे बन चुका है। अब ये बर्ड क्या होगा, पेरेंट्स की बॉडी से डिटैच हो जाएगा और ये क्या बना लेगा, न्यू ईस्ट, न्यू ईस्ट बना लेगा, ठीक है? तो ये जो प्रोसेस है जिसमें पेरेंट की बॉडी पे छोटा सा बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, एक्सटर्नल आउटग्रोथ पे बनता है, ये बाहर की वृद्धि है, शरीर के बाहर पे वृद्धि हो रही है, लेकिन कैसी हो रही है बेटा जी, बिल्कुल वो पेरेंट के जैसा ही है, है ना? एज इट इज पेरेंट्स के जैसा दिख रहा है। तो ये जो पेरेंट्स के जैसा दिख रहा है बच्चों, ये कैसा दिख रहा है पेरेंट्स के जैसा, ये जो दिख रहा है ये क्या है, उसका बर्ड है। और यही बर्ड आगे जब पेरेंट्स की बॉडी से डिटैच हो जाएगा, पेरेंट्स की बॉडी से जब अलग हो जाएगा, तो ये क्या बना लेगा, ये न्यू ईस्ट बना लेगा। तो ईस्ट हमेशा बर्डिंग के मैथडोलॉजी से अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। दूसरा जो मेथड है, एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा, बाय स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया। कुछ स्पोर्स बनाते हैं जिनको हम कोनिडिया भी कह सकते हैं, या स्पोरेंजियोस्पोर कह सकते हैं, या जूस्पोर कह सकते हैं। इसमें कोनिडिया जो आपका है वो कैसा है, कोनिडिया एक स्पोर है, जूस्पोर जो है कैसा है, मोटाइल है। इसमें क्या होता है, फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। कुछ नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, कुछ मोटाइल स्पोर्स होते हैं। तो मोटाइल स्पोर्स को जूस्पोर्स कहते हैं, ठीक है? यहाँ पेनिसिलिन जो है ना बेटा, ये जो आपका पेनिसिलिन है, ये पेनिसिलिन का क्या है, एक मिनट बच्चों, ये यहाँ पे थोड़ा ना, ये देखिए, ये ऐसा रहता है ये स्ट्रक्चर, ठीक है? पेनिसिलिन में होता है क्या, होता है कोनिडिया मिलता है। ये जो पेनिसिलिन है, ठीक है, इसके ऊपर में ये दिख रहा है ना, कोनिडियोफोर बना हुआ है। अब ये कोनिडियोफोर क्या करके रखता है, बहुत सारे कोनिडिया को बियर करके रखता है। ये छोटे छोटे जो स्पोर्स बने हैं ना, ये क्या है, ये देखो, ये क्या है, कोनिडिया है। इसी को आप क्या कह सकते हो, कोनिडिया एक टाइप का स्पोर है, एक टाइप का आउटग्रोथ है, ठीक है? स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर। तो ये एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन है। ये कोनिडिया फिर से चल के पेनिसिलियम की बॉडी बना लेगा, ठीक है? तो बेस्ट एग्जांपल क्या है, पेनिसिलिन, ठीक है? पेनिसिलिन इसका बेस्ट एग्जांपल है बच्चों। अब क्या करना है बच्चों, अब देखना है सेक्चुअल रिप्रोडक्शन बाय ऊस्पोर्स। सेक्चुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होगी उसको जो करेगा उस स्ट्रक्चर को कहेंगे ऊस्पोर, ठीक है? एस्कोस्पोर्स और बेसिडोस्पोर्स। तो ऊस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स और बेसिडोस्पोर्स सेक्चुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटनिंग बॉडी। ये जो स्पोर्स होते हैं ये फ्रूटनिंग बॉडी बनाते हैं। सेक्चुअल साइकिल इन्वॉल्व द फॉलोइंग थ्री स्टेप्स। जो सेक्चुअल साइकिल चलेगी बॉडी में, तीन स्टेप से चलेगी। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गेमेट्स। जो मोटाइल और नॉन मोटाइल गेमेट्स होंगे उन दोनों के बीच में क्या होगा, फ्यूजन होगा, ठीक है? उन दोनों के बीच में फ्यूजन होगा और उनके फ्यूजन को क्या कहेंगे, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गेमेट कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। इसे क्या कहेंगे बेटा जी, प्लाज्मोगेमी कहेंगे। फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगेमी। जो दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाएंगे उनको कहेंगे कैरियोगेमी। मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉयड स्पोर्स। इसके रिजल्टिंग क्या होगा, हैप्लॉयड स्पोर्स होगा। ये मैं पूरा भी आपको डायग्राम के थ्रू बना के बताऊंगी बच्चों, तब तक ये आपका जो लिखने वाला पोर्शन है वो आप कंप्लीट कर लीजिए, ओके? यस बच्चों, मैंने बोला था मैं भी आपको क्या बताऊंगी, फंगी का रिप्रोडक्शन बताऊंगी, है ना?
तो फंगी का रिप्रोडक्शन मैंने वहां पे आपको दो तीन लाइन बता दिया था, वो दो तीन लाइन फिर से मैं आपके लिए यहाँ पे लिख दी हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंगी, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गेमिट कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। ठीक है, टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गेमिट जो होगा उसके बीच में जो फ्यूजन होगा तो उसको प्लाज्मोगेमी कहेंगे। यहाँ पे दिख रहा है टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गेमिट है ना, आपको एक हाइफी बनी हुई दिख रही है ना, इन दोनों का जब जॉइंट होगा, दोनों जब आपस में मिलेंगे तो इनका जो साइटोप्लाज्म है वो आपस में फ्यूज होगा, तो उसको क्या कहेंगे, प्लाज्मोगेमी। दिखा यहाँ पे बेटा आपको, है ना, ये क्या कहलाएगा, प्लाज्मोगेमी कहलाएगा। अब प्लाज्मोगेमी कहलाएगा, ध्यान देंगे, प्लाज्मोगेमी कहला रहा है वहां पे। अब देखो बेटा जी, अभी इसमें सिंगल सिंगल न्यूक्लियस थे, प्लाज्मोगेमी हो गया, ये जहां से जुड़ा है ये यहां, आप डबल डबल न्यूक्लियस आपको दिखाई देंगे, ठीक है, डबल डबल न्यूक्लियस आपको दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि जब इनका आपस में मिलना हुआ तो इसके पास भी एक न्यूक्लियस था, इसके पास भी एक न्यूक्लियस था, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस आपस में अब एक ही किस में आ गए हैं, एक ही स्ट्रक्चर में आ गए हैं, दिख रहा है आपको, पर वो भी मिक्स नहीं हुए हैं, क्योंकि आपको एक जो स्ट्रक्चर है उसमें दो हाइफी दिख रहे हैं, एक हाइफी में दो न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, तो आप इसको क्या बोलोगे, डाइकैरियन, टू न्यूक्लियस। यहाँ पे अभी सिंगल सिंगल न्यूक्लियस था, यहाँ डाइकैरियन एन प्लस एन हो गया, डबल डबल। ये देखो, ये यहाँ से ये वाला पोर्शन देखो ध्यान से, ये वाला पोर्शन यहाँ डाइकैरियन हो गया। अब इससे बेसिडोकार्प का फॉर्मेशन होगा, पूरा का पूरा फंगस बनेगा ना, फंगस बनने के बाद में बेसिडोकार्प से देखो ये क्या, किस बेसिडिया जो है उसमें क्या होगा बेटा, कैरियोगेमी होगा, बेसिडिया में कैरियोगेमी होगा। अब कैरियोगेमी क्या होता है, प्लाज्मोगेमी, समझ गए, दोनों का आपस में क्या मिलना, साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होना। कैरियोगेमी क्या है, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगेमी। यहाँ पे जो टू न्यूक्लियाई दिख रहा है अभी, तो ये एक दूसरे के साथ है, अभी ये क्या करेगा, फ्यूज करेगा, अब ये क्या करेगा बेटा, यहाँ फ्यूज करेगा, दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे, कैरियोगेमी कहेंगे। यहाँ पे फ्यूजन हुआ, अब ये 2n हो गया, अभी तक क्या था, n प्लस n था, एक साथ जरूर था लेकिन 2n नहीं हुआ था, अभी यहाँ पे ये 2n हो गया। अब ये मियोसिस करेगा, फिर से सिंगल सिंगल न्यूक्लियस आ जाएंगे इसमें, आगे जाएगा, आगे देखोगे कि जो आपका बेसिडिया दिख रहा है उस पर एक्सोजिनसली स्पोर्स बनेंगे, दिख रहा है, ये स्पोर्स बन रहे हैं, 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 ये स्पोर्स आगे फिर जर्मिनेट करेंगे और हाइफी बनाएंगे। समझ में आया? तो इस एक प्रोसेस में मैंने आपको क्या क्या बता दिया, प्लाज्मोगेमी भी बता दिया, कैरियोगेमी भी बता दिया, और स्पोर का फॉर्मेशन भी बता दिया। तो ये पूरा का पूरा जो डायग्राम है ये क्या है बेटा, ये फिगर क्या बता रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, किसके अंदर, फंगी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक मिनट, फंगी का फिगर बोल रहा है कि ये फंगस, बहुत ज्यादा दूर हो गया ना, फंगस जो है उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, समझ में आया। देखो ये प्लाज्मोगेमी यहां पे कंप्लीट हो गया, कैरियोगेमी ये देखो ये गोल बना दिया मैंने, प्लाज्मोगेमी को भी मैंने एक गोल में बना दिया, और स्पोर फॉर्मेशन जो मैंने बोला था, मियोसिस जाइगोट रिजल्टिंग स्पोर्स, ये देखो, ठीक है, तो पूरा का पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको इसमें समझा दिया है, समझ में आ गया है। जब आपस में क्या मिल रहे हो, साइटोप्लाज्म, तो वो क्या है बेटा जी, प्लाज्मोगेमी है, ठीक है, जब क्या हो रहा हो, फ्यूजन हो रहा हो, किसका फ्यूजन हो रहा हो, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो रहा हो, तो वो क्या है, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होना प्लाज्मोगेमी है, न्यूक्लियस का फ्यूजन होना, न्यूक्लियस का जो फ्यूजन हो रहा है, न्यूक्लियस जो आपस में फ्यूज हो जा रहे हैं वो कैरियोगेमी है, ठीक है, और मियोसिस करके जो स्पोर्स बन रहे हैं वो स्पोर फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे देखो जो जितना प्रोटोप्लाज्म था वो एक दूसरे में समा
समाहित हो गया, एक दूसरे से मिक्स हो गया, तो प्लाज्मोगेम ही कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पे डाइकैरियन स्टेज में है, क्योंकि अब उस इस स्ट्रक्चर में एक एक जो आपका हाइफी दिख रहा है उसमें एक एक जो सेल्स थे वो अब डुअल सेल्स में हो गए, लेकिन वो डुअल सेल्स अभी आपस में फ्यूज नहीं हुए हैं, इसलिए डाइकैरियन स्टेज है, एन प्लस एन स्टेज है, एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है। फिर आगे बढ़े बेसिडोकार्प में, वो कंप्लीट बन गया, कंप्लीट एक फंगस का स्ट्रक्चर ले लिया। अब उसके अंदर जो बेसिडोकार्प के अंदर जो बेसिडिया है वो क्या करेगा, एन प्लस एन दो कैरियन को, दो न्यूक्लियस को अपने अंदर बियर करके रखा है। ये दो न्यूक्लियस अभी तक आपस में फ्यूज नहीं हुए हैं, जब आपस में जुड़ जाएंगे, फ्यूज कर लेंगे, तब उसको क्या कहेंगे, कैरियोगेमी कहेंगे बेटा। तो कैरियोगेमी भी यहां पे हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, मियोसिस सेल डिवीजन होगा, रिडक्शन सेल डिवीजन होगा, अब ये 2n से फिर से n में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, इसके बेसिडियम के ऊपर स्पोर्स बनने लग जाएंगे, स्पोर्स आर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिडियम। अब ये स्पोर्स फिर से आगे ऐसा जर्मिनेशन करके पूरा साइकिल चलाते जाएंगे। तो एक इन जनरल कोशिश की है मैंने आपको ये पूरा का पूरा मेथोडोलॉजी समझाने का, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए बेटा। इसमें ये जो आपका फंगस है इसमें टाइप्स ऑफ फंगी या फंगी का जो क्लासिफिकेशन है, जो डिवीजन किया गया है, वो मैं आपको बताऊंगी फंगी के सेकेंड पार्ट में। ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, ये फंगी टॉपिक का पार्ट वन है। एक मिनट बस बेटा, ये पार्ट वन है, और जो पार्ट टू आएगा, ठीक है, जब पार्ट टू आएगा तो मैं इसमें आपको पूरा का पूरा इसके जो जो इसके मेंबर्स हैं, जिन मेंबर्स को आपको फंगस में पढ़ना है, वो सारी चीजें बताऊंगी, ओके।